वायरल हुआ था। तो ये कहना है कि बिहार के लोगों से आप तमाम इंडिया वाले एक बार ओपिनियन लीजिए कि सरकार ने मेरिट और नॉन मेरिट को बराबर कर दिया गया है, मतलब अब सरकारी जो हाई स्कूल हैं वहाँ जो 10+2 के स्कूल है वहाँ नॉन मेरिटोरियस टीचर पढ़ेंगे, क्या आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहेंगे वहाँ? आप पब्लिक ओपिनियन लीजिए और इस पर एक वीडियो आपका एक प्रोग्राम चलना चाहिए आप तमाम मीडिया वालों से। आप लोग भटक रहे हैं पटना की बिल्कुल। तो आप मीडिया वाले से एक हमारी राय है कि आप यहाँ भी बहुत सारे पब्लिक लोग हैं, आप एक ओपिनियन जरूर लीजिए, आप मेरिटोरियस से पढ़ाना चाहते हैं कि नॉन मेरिटोरियस से? शिक्षा मंत्री जी से पूछिए ना कि आप अपने बेटे को पढ़ाए थे मेरिट वाले शिक्षक से कि नॉन मेरिट। हाँ, बिहार के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी से पूछिए कि आप मेरिट वाले शिक्षक से पढ़वाइएगा कि नॉन मेरिट वाले शिक्षक से? आपके साथ जो आपके के उनके बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं भैया, विदेश में पढ़ते हैं उनके शिक्षक, इसलिए क्या तमाम गरीब के बच्चे किससे पढ़ेगा, मेरिट वाले से कि नॉन मेरिट वाले से? इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ कि बिहार के 12 करोड़ जनता से एक पब्लिक ओपिनियन लीजिए। क्यों हम लोग भटकेंगे यदि बिहार की तमाम 12 करोड़ जनता। नमस्कार, रिपब्लिकन न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं तनुज मासूम। लगातार प्रदर्शन का सिलसिला पटना की सड़कों पर जारी है। कुछ देर पहले वार्ड सचिव को खदेड़ा गया और अब 2019 के स्टेट के जो क्वालिफाइड स्टूडेंट थे, जो मेरिट वाले स्टूडेंट थे, तमाम मापदंडों को पार करने के बाद मेरिट लिस्ट में इनका नाम आया था और सिर्फ चयन की प्रक्रिया इनकी बची हुई थी, ज्वाइनिंग की प्रक्रिया बची हुई थी, उनको भी आज पटना की सड़कों से खदेड़ा गया। अपने हक मांगने के लिए जेडीयू कार्यालय पहुंचे थे लेकिन प्रशासन के द्वारा वहां से इनको हटाया गया और भटकते हुए ये लोग पहुंचे हैं गांधी मैदान, भूखे प्यासे गांधी मैदान में बैठे हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे आज हम लोग स्टेट 2019 के विज्ञापन की रक्षा के लिए, जो सरकार ने विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया को परीक्षा परिणाम के बाद बदल दिया। जब बदलना ही था तो उस मापदंड पे लाया क्यों था? मैं यही तो पूछना चाहता हूँ, सरकार में बैठे हुए लोगों, बताओ स्टेट 2019 पे व्हाइट पेपर लाओ, बताओ बिहार की जनता को कि वास्तविकता क्या थी। कहा दुनिया में ऐसा होता है कि एक सरकार चुनी हुई सरकार विज्ञापन निकालती है, परीक्षा लेती है, फॉर्म भरवाती है और परीक्षा परिणाम के बाद ज्वाइनिंग लेटर देते समय परीक्षा के चयन की प्रक्रिया में बदलाव करती है? कहाँ होता है दुनिया, बताइए ना। अगर सरकार में बैठे हुए लोगों, अगर आप कानून को हाथ में लोगे तो समझ लेना बिहार में इससे बड़ा पछताओगे आप, बस पछताओगे, मास्टर बनने का सपना पछताओगे। कोई मास्टर वास्टर की बात नहीं है, यहाँ बात है कि सरकार पछताएगी, बस एक कह दे रहा हूँ। इतना बड़ा चीज हो जाएगा ना, इतना बड़ा चीज हो जाएगा, सरकार पछताएगी। हम लोग बेरोजगार आदमी नहीं है भाई, मैं व्यक्तिगत रूप से बेरोजगार नहीं, बहुत पढ़ा लिखा विद्वान आदमी, मैं NIT से पढ़ा लिखा हूँ। लेकिन ये बताइए कि सरकार अगर विज्ञापन निकालती है और विज्ञापन के बाद परीक्षा लेती है, परीक्षा के बाद रिजल्ट आते हैं और रिजल्ट के बाद चयन की प्रक्रिया में बदलाव करती है, बताइए गाय जाए? गलत। असंवैधानिक काम करने की आदत है। और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास शब्द है तो आप बताओ व्हाइट पेपर लाओ, स्टेट 2019 का वास्तविकता क्या है? कुब्बत है कुब्बत, और पुलिस को लगा दी, गुंडा की तरह व्यवहार कर रहा है पुलिस हमारे साथ। अगर बताइए हम सही रास्ते पर हैं, क्या करने के लिए आज कहाँ गए थे? आज हम लोग ये सरकार को ये बताना था आप लोगों चैनल के जरिए कि सरकार हमारा जो स्टेट 2019 का जो मुद्दा है, हम एक महीना से जो बैठे हुए थे सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आया, तो हम चाहते थे एक बार और रिमाइंड कराना कि सरकार में बैठे हुए लोगों, आप तय कर लो कि स्टेट 2019 का मुद्दा जो है, स्टेट 2019 का जो शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 का जो आपने विज्ञापन निकाला था और उस विज्ञापन के आधार पर हमने फॉर्म भरा, चयन की प्रक्रिया को देख के परीक्षा परिणाम के बाद चयन की प्रक्रिया में करिए कि फिर से मेरिट बनाएंगे, ये कौन सी बात है? तो हमने फॉर्म क्या भरा, हम अगर विज्ञापन में बिंदु हटेगा ना तो हम 10-10 करोड़ रुपया का कंपनसेशन लेंगे। विज्ञापन में जो है स्टेट हटाने की तो बात दूर की बात, अगर उसमें बिंदु हटेगा तो मेरे भाई बताओ कंपनसेशन सूट में किया हूँ, साथ रहोगे कि नहीं रहोगे? बिल्कुल हम लोग सब साथ। विज्ञापन में अगर एक बिंदु हट जाएगा ना तो हम 10-10 करोड़ का कंपनसेशन सूट। एक सुर में हल्ला बोला जा रहा है स्टेट के तमाम विद्यार्थियों की, आप ये बताइए कि ये स्टेट एक पहला एग्जाम्पल नहीं है, सरकार अपनी तमाम चयन प्रतिक्रियाओं में बदलाव कर देती है, ऐसा क्यों? अपने सरकार की जो मंशा है ना वो जो है कि अभ्यर्थी के, वो जो है कि छात्रों के खिलाफ हो गया, सरकार की पूरी मंशा वो हर विभाग में, अभी तो शिक्षा विभाग में स्थिति है कि वो बैठे हुए दलाल जो मेरिट में हम लोग मेरिट बनाए थे उसमें बैठे शिक्षा विभाग में बैठे हुए दलाल का ये जो सब किया धरा है, दलाल का ये मुख्यमंत्री का नहीं किया हुआ है, ये दलाल का किया हुआ है, जो शिक्षा विभाग बैठ कर पैसा वसूलने के लिए बैठे हुए हैं वो लोग क्या करते हैं, एक एक सीट को 5-5, 10-10 लाख रुपए बेचते हैं, ये 30,675 सीट है, इस सीट को बेच देंगे दलाली कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, नॉन मेरिट और मेरिट को बराबर किए, क्योंकि यह कंपटीशन नेचर का एग्जाम था, जितना रिजल्ट दिया उतना ही तो वैकेंसी था, उतना ही तो सब कुछ हुआ, लेकिन अब 80,000 के बराबर क्यों हो गया?
क्योंकि दलाल है जो चाहता है कि सब जाए नियोजन निकाय में और वहाँ पे जा करके पैसा दे, क्योंकि नॉन मेट वाला जाएगा ना तो पैसा देगा। अरे बिहार के तो भविष्य सही खराब हो गया है, जानते हैं कितना नॉन मेट वाला स्कूल में पढ़ा रहा है, सन्ने मरने का स्पेलिंग टीचर को नहीं आता है और फिर से चाहता है कि जा हम लोग नॉन मेट को भेजे और वहाँ पे जाकर को पढ़ाए और बिहार का भविष्य खराब करे। लेकिन सरकार को समझना चाहिए, अगर सरकार को थोड़ा भी बिहार का चिंता होगा, बिहार का भविष्य का चिंता होगा, उस बिहार गांव में बच्चे बैठे हुए जो गरीब के बच्चे हैं इस एहसास में कि अच्छा टीचर आएंगे और पढ़ाएंगे, उनको विश्वासघात करेगी सरकार। और थोड़ा भी उनके लिए सरकार के दिल में, मुख्यमंत्री जी के दिल में अगर थोड़ा भी अगर होगा ये बिहार का भविष्य बने तो वो कृपया करके मेट वाले को नियुक्ति दीजिए। अरे छठा चरण खत्म हो गया, सातवां चरण आ गया। तो चलिए शिक्षित तो बना रहे नीतीश कुमार, लेकिन शिक्षित होने के बाद शिक्षा से नहीं, अब वक्त क्वालिटी एजुकेशन का है। अरे दुनिया चांद पे चला गया, अब अभी संडे मंडे के स्पेलिंग में है। बिहार ने का पाप किया है क्या? हम बिहार के इतिहास में सबसे विद्वान शिक्षकों की टोली है 30,675, लेकिन इसको छोड़ करके अनपढ़ जाहिलों के फौज को भर्ती करना चाहते। एक तो बिहार ने ऐसे ही पाप किया था जो 1,00,000 निरक्षर शिक्षकों को भर्ती किया है। सबको पता है, आप ही लोग ना पोल खोलते हैं कि संडे और मंडे का स्पेलिंग नहीं आता बिहार सरकार के सरकारी टीचरों को, नहीं आता है, बताइए ना। इतना बैठे हुए लोग सब जगह पैसा, नियोजन इकाई क्या है? नियोजन इकाई धांधली और गुंडई का अड्डा है, नहीं आता है। अरे वही नियोजन इकाई के जरिए निरक्षर शिक्षकों को भर दिया। संडे मंडे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता है। हम लोग दुनिया के 218 देश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का नाम पता है, वो टीचर है हम, क्या नहीं आता हमको बताइए। एक विषय मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस सब पढ़ा सकते हैं, धारा प्रवाह, पांच तरह से अंग्रेजी बोल सकते हैं। अगर ऐसे शिक्षक अगर बिहार के सरकारी स्कूल में नहीं बनेंगे तो अगर निरक्षर और जाहिलों के फौज का बिहार ने पाप किया है, पाप किया बिहार ने। स्टैंड क्या लेंगे अब सरकार? स्टैंड ये लेंगे, जहां जाएंगे लाठी। मैं आपके चैनल के जरिए माननीय उच्च न्यायालय से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि विज्ञापन में बिंदु नहीं हटना चाहिए माननीय न्यायाधीश महोदय। अगर विज्ञापन में एक बिंदु हटेगा ना तो 10-10 करोड़ का कंपनसेशन मैं सूट करूंगा। और आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप दिलवाइएगा 3,00,000 करोड़ रुपये का पहले कंपनसेशन देना पड़ेगा और तब विज्ञापन में बदलाव। विज्ञापन हटाने का सवाल, लाठी नहीं, जान दे देंगे। लाठी का सवाल नहीं है, एक दिन का है नहीं। हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया है, अगले 3 महीना के अंदर सरकार तय करे कि करना क्या है। अब अगर नहीं करेगा तो फिर तो हम लोग हइए हैं। अगर कोई संविधान को हाथ में लेने की बात करता है तो हम भी हाथ में ले लेंगे हाथ में। ये स्टेट के विद्यार्थी हैं, गुस्सा जो है पूरी तरह से उबल रहा है, अपने अंतिम चरण पर इनका गुस्सा आ गया है। क्या कुछ कहेंगे, बहाली प्रक्रिया में फिर बदल हो रही है? हम लोग मेरिट में आए स्टूडेंट हैं, सरकार चाहती है कि नियोजन में हम इन लोगों को भेजे और वहाँ से नॉन मेरिटेरियस स्टूडेंट को भेज दे जिससे गरीबों शिक्षा ग्रहण नहीं कर सके। मैं इसके पीछे का कारण है, आए दिन, बिल्कुल आए दिन आप देखे थे दक्षिणी बिहार से जो लोग थे, उत्तरी बिहार से जो लोग थे, वहाँ के बीओ सीओ जो पंचायत सचिव थे, वहाँ के मुखिया थे, सारे लोग घपले में पकड़े गए थे। उसका बहुत ज़बरदस्त ऑडियो वायरल हुआ था। तो ये कहना है कि बिहार के लोगों से आप तमाम मीडिया वाले एक बार ओपिनियन लीजिए कि सरकार ने मेरिट और नॉन मेरिट को बराबर कर दिया गया है। मतलब अब सरकारी जो हाई स्कूल हैं वहाँ, जो 10+2 के स्कूल है वहाँ नॉन मेरिटोरियस टीचर पढ़ेंगे, क्या आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहेंगे वहाँ? आप पब्लिक ओपिनियन लीजिए और इस पर एक वीडियो आपका एक प्रोग्राम चलना चाहिए आप तमाम मीडिया वालों से। आप लोग भटक रहे हैं पटना की दो, बिल्कुल। तो आप मीडिया वाले से एक हमारी राय है कि आप यहाँ भी बहुत सारे पब्लिक लोग हैं, आप एक ओपिनियन जरूर लीजिए। आप मेरिटोरियस से पढ़ाना चाहते हैं कि नॉन मेरिटोरियस से? शिक्षा मंत्री जी से पूछिए ना कि आप अपने बेटे को पढ़ाए थे मेरिट वाले शिक्षक से कि नॉन मेरिट? हाँ, बिहार के शिक्षा मंत्री से और मुख्यमंत्री जी से पूछिए कि आप मेरिट वाले शिक्षक से पढ़वाइएगा कि नॉन मेरिट वाले शिक्षक से? आपके साथ जो आपके के उनके बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं भैया, विदेश में पढ़ते हैं उनके शिक्षक, इसलिए क्या तमाम गरीब के बच्चे किससे पढ़ेगा, मेरिट वाले से कि नॉन मेरिट वाले से? इसीलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ कि बिहार के 12 करोड़ जनता से एक पब्लिक ओपिनियन लीजिए। क्यों हम लोग भटकेंगे? यदि बिहार की तमाम 12 करोड़ जनता यह कह दे कि नहीं नॉन मेरिट वाला से हम पढ़वाएंगे तो ठीक है। हम लोग विदेशी वाले हैं, अमेरिका इंग्लैंड की अंग्रेजी मैं बोलता हूँ, अमेरिका के कंप्यूटर साइंस जानता हूँ और मैथ जानता हूँ। मैं सिर्फ इंडिया का मैथ नहीं जानता, मैं मैथ्स अमेरिका का भी जानता हूँ। अमेरिका को जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में सिलेबस है दोनों हमको यार बना के दिखा देते हैं, वहाँ का न्यूमरल्स और डिजिट सिस्टम अलग है। मैं बोलो ना, मैं पूछो ना, 5 तरह से अंग्रेजी, अमेरिका के लोगों को भी 5 तरह से अंग्रेजी नहीं जानते होगे और वो मैं जानता हूँ। तो बिहार ने पाप किया कि अनपढ़ जाहिलों की फौज खड़ा करोगे?
तो निश्चित रूप से बिहार सरकार के सामने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा है कि आखिर 2019 से भटक रहे ये अभ्यर्थी, स्टेट के अभ्यर्थी जो क्वालिफाइड हैं, जो मेरिट वाले विद्यार्थी हैं, ये आखिर अपनी आवाज़ लेकर कहाँ जाएंगे? किसी चौखट पर जाते हैं, सरकार सत्ता में बैठे मठाधीश के चौखट पर जाते हैं तो प्रशासन के द्वारा बल का प्रयोग किया जाता है और उन्हें खदेड़ा जाता है। इनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएं और इस वीडियो को लगातार शेयर करें ताकि बहरी सरकार को इनके आवाज़ों की करुणा उनके कानों तक पहुंचे। और अब इनका गुस्सा जो है वो उबल रहा है और अपने आखिरी चरम पर आ गया है। इन्होंने सरकार को अल्टीमेटम भी दे दिया है। तमाम अपडेट्स आप तक ज़रूर लेते रहेंगे, बने रहे रिपब्लिकन न्यूज़ पर। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।